हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर इमलिया ने सुम्बुल ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बाद बिग बॉस भी हो गए हैं इसके कद्रदान, इसके फैन। क्या हुआ है, चलिए आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। क्योंकि सिम्बुलिया ने दिखाई है ईमानदारी, ऐसी ईमानदारी जो हर किसी में नहीं होती, जिसके बाद बिग बॉस भी खुश हुए और बज गई सुम्बुल के लिए तालियां। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बिग बॉस के घर के अंदर आटा खत्म हो गया है, घर वालों के पास नहीं है रोटी बनाने के लिए आटा। और ऐसे में सुम्बुल की किचन की ड्यूटी है। सुबह से सुम्बुल ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभा रही है और काम किए जा रही है, जिसको देखकर घर वाले भी हैरान हैं। क्योंकि सुम्बुल पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ किचन की ड्यूटी को संभाल रही है, एंड शी इज मेकिंग श्योर कि हर किसी को खाना मिले। लेकिन जब खाना खत्म हो जाता है और ऐसे में सौंदर्या के पास रोटी ही नहीं होती है, तो सुम्बुल जाती है सौंदर्या के पास और सौंदर्या से कहती है कि आटा तो नहीं है मेरे पास, ज्वार का, नौचनी का आटा है और मक्के का आटा है, लेकिन अगर मैं उसको गूंथ रही हूँ तो वो सैंड जैसा हो रहा है, उससे मैं रोटी कैसे बनाऊं। सौंदर्या कहती है कि तुम्हारे पास एक भी रोटी नहीं है क्या, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। ऐसे में सुम्बुल कहती है कि सौंदर्या, तुम्हारे हिस्से की रोटी तो तुमने सुबह खा ली थी, अब रोटी नहीं बची है, मेरी एक रोटी है जो मैंने नहीं खाई है, अगर तुम्हें वो खानी है तो तुम वो खा लो। जिसके बाद सौंदर्या कहती है कि नहीं, मैं भला तुम्हारी रोटी कैसे खा लूं। तो ऐसे में सुम्बुल कहती है कि मेरे घर में जब भी कोई आता है, फिर चाहे वो कोई भी हो, डिलीवरी बॉय हो या कोई भी हो, हमने एक रूल बना रखा है। हमने घर में काफी सारे बिस्किट के छोटे छोटे पैकेट्स रख रखे हैं और हम उन लोगों को देते हैं, क्योंकि अब्बा ने सिखाया है घर से कभी भी कोई भूखा ना जाए। तो आज मैं किचन की ड्यूटी में हूँ और तुम घर में भूखी कैसे रह सकती हो मेरे होते हुए। मेरे हिस्से की रोटी तुम खाओगी, मैं तुम्हें दे देती हूँ वो रोटी। वेल, दोस्तों, मानना पड़ेगा सुम्बुल को। सुम्बुल की ईमानदारी को देखते हुए बिग बॉस ने भी सुम्बुल के लिए अनाउंसमेंट की और कहा, बहुत खूब सुम्बुल। दोस्तों, आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।